हेलो व्यूवर्स, अगर आपको आसमान की तरफ देखने के बाद एक छोटी सी उम्मीद की किरण नज़र आती है कि शायद कहीं कोई ऊपर वाला बैठा है जो हमारी मदद करता है और हमारी इतनी बड़ी धरती को ठीक ठाक चलने देता है, लेकिन आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि इसी आसमान से बड़े बड़े आग के गोले भी बरसाए जाते हैं जो हमारी पृथ्वी को एक मिनट में बर्बाद भी कर सकते हैं, जैसा कि आज से 63 मिलियन साल पहले डायनासोरों के साथ हुआ था। दोस्तों, आपको पता है कि हमारी धरती पर बहुत समय पहले डायनासोर और न जाने कितने सारे अद्भुत जानवर राज किया करते थे, लेकिन आसमान से गिरी एक बड़ी सी उल्का ने सभी डायनासोरों और सभी जानवरों को मिट्टी में मिला के रख दिया। और उसके बाद जब से धरती बनी है, यानी कि जब से इंसानों का जन्म हुआ है, तब से आज तक कोई ऐसी घटना तो घटी नहीं है, लेकिन जाने अनजाने में इंसानों के जन्म के बाद भी बहुत सारी उल्काएं धरती पर गिरती रहती हैं जिसके बारे में शायद आपको किसी ने नहीं बताया होगा। तो आज आप इस वीडियो में जानने वाले हो धरती पर गिरे, यानी इंसानों के जन्म के बाद धरती पर गिरे सबसे बड़ी उल्काओं के बारे में। तो चलिए यार, डायनासोरों की मौत का शोक प्रकट करते हुए 2 मिनट का मौन रखते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास। और अगर आपने इसकी पहले की वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने ये बताया है कि भारत में कुछ उल्काएं गिरी थी, जिसके बारे में आपको वीडियो मिल जाएगी, अगर आपने नहीं देखी तो उसको भी देख लो यार, क्योंकि नॉलेज कभी नहीं रुकनी चाहिए, लेते रहो उसको। तो दुनिया का सबसे बड़ा उल्का पिंड सन 1906 में अमेरिका में खोजा गया था। इसका वजन करीब 15 टन के आसपास है और साइंटिस्ट ने इसका नाम विल्मिट रखा है। और जो फोटो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यह फोटो करीब 1911 में न्यूयॉर्क के किसी म्यूजियम में खींची गई थी और इस उल्का को खोजने वाले का नाम है एलिस ह्यूजेस, डरावना नाम है। नंबर 2, 1930 के दशक में तंजीनिया के एक एस्ट्रॉयड की खोज की गई थी और इसका नाम रखा गया है मोजी। यह उल्का पिंड करीब 3 मीटर लंबा और इसका वजन करीब 25 टन के आसपास है। सोचिए, जब इतना बड़ा उल्का धरती पर टकराया होगा तो पूरे धरती पर एक छोटा सा भूकंप महसूस किया गया होगा। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि जब यह उल्का धरती से टकराया था तो जहाँ यह गिरा था वहाँ पर बिल्कुल भी गड्ढा नहीं था, या शायद हो सकता है कि जैसे यह उल्का धरती से टकराया हो यह तुरंत लुढ़क गया हो। दोस्तों, इंसानों द्वारा खोजा गया दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा उल्का पिंड करीब 10,000 साल पहले पृथ्वी से टकराया था और इसकी खोज अभी हाल ही में 1993 में ग्रीनलैंड में की गई थी और इस उल्का का वजन करीब 20 टन के आसपास था। सोचिए, जो उल्का 10,000 साल पहले पृथ्वी से टकराया था वो आज भी उसी स्टेटस में वहीं पर पड़ा हुआ था, तभी तो इंसानों ने इसकी खोज कर ली। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि आज भी किसी म्यूजियम में सुरक्षित रखा गया है। नंबर 4, 1863 में लेविया शहर में एक भूवैज्ञानिक थे जिनका नाम था गिलबर्ट एलिस। इन्होंने भी एक उल्का की खोज की थी। इस उल्का का वजन भी 20 टन है और इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वह करीब 4 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा है और करीब 1.75 मीटर ऊंचा भी है। सोचिए, इतनी बड़ी बड़ी उल्काएँ जब धरती से टकराती होंगी तो हमारे धरती की क्या हाल होती होगी। नंबर 5, चाको दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा उल्का पिंड है जो इंसानों के द्वारा खोजा गया है। और आपको बता दूं कि जब भी ये उल्का पिंड धरती से टकराया था तब इसने 60 वर्ग किलोमीटर गड्ढा खोद दिया था। सोचिए, कितना बड़ा गड्ढा एक बड़ी सी उल्का ने खोद दिया था। और इस उल्का का वजन करीब 37 टन के आसपास था और ये उल्का खोजी गई थी सन 1969 में। और सूत्रों की माने तो इस उल्का को म्यूजियम से सन 1990 में चोरी करने का प्रयास किया गया था, जो कि आधे दूर तक चोर लेके चले भी गए थे, लेकिन फिर पुलिस ने उसे पकड़ लिया और वापस से इस उल्का को उसी म्यूजियम में रखवा दिया गया। नंबर 6, होबा एक ऐसा उल्का पिंड है जिसका वजन करीब 60 टन है और इसकी लंबाई करीब 6.5 वर्ग मीटर है और ये उल्का जो है हमारी धरती से 80,000 साल पहले टकराया था। सोचिए, इतने पहले टकराने के बाद भी इंसानों ने इसे कैसे खोज लिया। और वैज्ञानिकों का कहना है कि ये धरती के ऊपर नहीं दिखाई दे रहा था, ये मेटल डिटेक्टर से डिटेक्ट करने के बाद पता चला कि ये उल्का पिंड कोई बहुत बड़ा उल्का पिंड धरती के अंदर था। सोचिए, काफ़ी अंदर, जो इसे खोद के बाहर निकाला गया और इसे भी किसी म्यूजियम में रखा गया है। तो खैर यार, वीडियो तो हो जाती है यहीं पे ख़त्म। इसकी पहले वाली वीडियो जो कि भारत में गिरे उल्काओं के बारे में थी उसे भी देखना ना भूलिएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, इस वीडियो को आग की तरफ फैला दो अपने दोस्तों और फैमिली के बीच। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ दिन, गुड बाय।